स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द व्हील ऑफ अ कार, द व्हील्स ऑफ द कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। जो कार के व्हील हैं उनका सभी का डायमीटर कितना, 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज अ कार, does each wheel make in 10 minute when the car is traveling at the speed of 66 km per hour। यानी एक कार है जिसकी स्पीड है 66 km per hour, तो वो 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन करेगा उसका व्हील, जबकि जो व्हील का डायमीटर है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो भी व्हील है सभी का डायमीटर हमारे पास कितना है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हमने फाइंड आउट करना है भी ये व्हील है कितने रेवोल्यूशन फाइंड आउट कितने करेगा। पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जो भी डिस्टेंस होगा। अब अगर हम व्हील है, व्हील को अगर ब्रेक कर देंगे तो पूरा हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड में व्हील का सरकमफ्रेंसेस। यानी अब हमने क्या करना है, पहले तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करके ये जो व्हील है इसके सरकमफ्रेंसेस के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपका रेवोल्यूशन आ जाएगा कितने ये कितनी बार ये घूमेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका सरकमफ्रेंसेस फाइंड आउट करते हैं। पहले रेडियस ऑफ व्हील तो 80/2 40 सेंटीमीटर। तो अब इसका सरकमफ्रेंसेस, सरकमफ्रेंसेस क्या होता है, हमने पढ़ा 2πr, तो 2π 40 इंटू 2 80π सेंटीमीटर। अब ये सरकमफ्रेंसेस आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो स्पीड ऑफ कार हमें कितनी दी हुई है, स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 66 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 66 किलोमीटर। तो एक घंटे में 66 किलोमीटर हमने कितने घंटे में फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में, 10 मिनट में। तो पहले हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर 66 किलोमीटर पर आ रहा है तो एक मिनट में कितना होगा। ठीक है, यानी एक घंटे में 66 किलोमीटर है, इन वन आवर कार कवर डिस्टेंस 66 किलोमीटर। तो इन यानी अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो इन 60 मिनट डिस्टेंस कितना होगा, 66 किलोमीटर। ठीक है, इन वन मिनट कितना होगा, 66 डिवाइड बाय 60। अब हमने कितना फाइंड आउट करना है, 10 मिनट में, इन 10 मिनट्स। तो 66 डिवाइड बाय 60 इंटू 10, 0 कैंसिल, 66/6 11 किलोमीटर। यानी 10 मिनट में ये डिस्टेंस कवर करेगी कार 11 किलोमीटर। अब ये हमारे पास दिया हुआ है जो सरकमफ्रेंसेस सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में, हम इसे भी किलोमीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो पहले कि एक किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई। अब एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया 11 लाख सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब हमने रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने, कितने रेवोल्यूशन लगेंगे। तो हमारे पास रेवोल्यूशन कितने आएंगे, डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंसेस। ठीक है, हमने रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंसेस। तो एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, डिवाइड में 8 और पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर आ जाएगा। अब इनको कैंसिल कर दो, 11 के टेबल पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 22, तो ये हमारे पास आ गया
सॉरी 11 को यहाँ 2 आ जाएगा, 10,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 16। ठीक है, अब ये हम 4 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, 4 4 द 16, ये आ गया 4 2 द 8, ठीक है 2500। अब इसको 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 625, तो ये आ गया 625 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 4375 रेवोल्यूशन। तो ये है हमारा आंसर। एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले आपके पास कार का व्हील दिया हुआ है, उसका डायमीटर 80 है और कार की स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर। तो पहले तो हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया व्हील का, और फिर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया 10 मिनट में 11 किलोमीटर। तो किलोमीटर में को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो जो डिस्टेंस था उसको सर्कमफ्रेंस का डिवाइड किया, तो आपका आंसर है। तो चलते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल। यानी हमारे पास सर्कमफ्रेंस इसको पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr और एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई इधर जाके डिवाइड, पाई के साथ पाई कैंसिल। अब आर उधर जाके डिवाइड, आर के साथ आर कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन ए। तो इस तरह हमारी 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड।